हेलो फ्रेंड्स, मैं शिवशंकर शर्मा और दीक्षा अकेडमी मुद्रा यूट्यूब चैनल में आप सभी मित्रों का फिर से स्वागत है। अभी तक हमने एक्सरसाइज किए 2.5 के 4 तक क्वेश्चन किए हैं, अभी हम 5 से आगे के क्वेश्चन करेंगे। अगर आपने नहीं देखे हैं तो पहले जाकर के देख लें, और प्ले लिस्ट में और भी काफ़ी सारे चैप्टर हमने करा रखे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। इसमें बोल रहा है 4x2 9y2 16z2 और ये। तो देखो, मैं इसको पहले इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर लेता हूं। जैसे 4x2 है, 4 को मैं कर लेता हूं 2x और इसका स्क्वायर, ठीक है। फिर प्लस 9 जो है इसको मैं कर लेता हूं 3y और इसका होल स्क्वायर, ठीक है। और प्लस जो 16z2 है इसको मैं कर देता हूं 4z और इसका स्क्वायर, ठीक है। चेंज कर सकते हैं। अब देखो 2ab, अगर 2ab ये है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, अगर ये 2ab है तो 2 के अंदर 2x इंटू 3y होगा, ठीक है। तो देखो 3 2 6 2 12 xy हो गया, तो मैं इसको ऐसे ही कर देता हूँ 2ab, यहाँ पे प्लस 2 और 12xy को मैं लिख देता हूँ 2x इंटू 3y। फिर हमारा आ गया माइनस का 24yz। अब देखो ये और ये माइनस का है इन दोनों में, अगर इन दोनों में माइनस का है तो देखो ये होता है 2ab, ये होता है 2bc और ये होता है 2ca, 2bc और 2ca ये दोनों वैल्यू नेगेटिव की है। तो दोनों में कॉमन क्या है, सी, तो इसका मतलब जो सी वाली वैल्यू है वो नेगेटिव है। तो सी क्या है हमारा 4z, तो 4z नेगेटिव होगा हमारा, तो मैं 4z माइनस का कर देता हूँ, ठीक है। अब देखो 24yz को मैं करता हूँ तो 2 फिर बी यानी 3y और इंटू 4z, 3 2 6 6 4 24, तो 24 और जेड, जेड की वैल्यू माइनस में होगी तो हम इसको माइनस में कर देंगे। तो मैं इसको लिख देता हूँ ऐसे ही माइनस 2 इंटू 3y मल्टीप्लाई 4z, इतना समझ में आ गया। अब इसके बाद देखो क्या करना है, 16xz इसको भी हम माइनस का लिख देते हैं क्योंकि ये वाली वैल्यू माइनस की थी ना यहाँ पे। अब इसको माइनस 2 और ca, तो 2ca, ca वैल्यू माइनस की है तो 2 तो ऐसे कैसा कर दिया, c की जगह क्या है हमारा माइनस का 4, माइनस वाले को हम प्लस ही लिख देते क्योंकि हमने आगे माइनस लिख लिया 2, और फिर 4 क्या कर दूंगा मैं जेड और 2ca इंटू 2x। अब 4 2 8 2 16, ठीक है, ये हो गया। अब देखो, अब पूरे क्वेश्चन को ध्यान से देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अब हम इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी और इस पूरे का होल स्क्वायर। तो अब मैं वही कर देता हूँ, ए में 2x फिर प्लस 3y और जेड वाला था माइनस 4z और पूरे का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा आइडेंटिटी के हिसाब से, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो उसी के हिसाब से ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, और सी नेगेटिव हो गया, क्यों, हमें पता चला यहाँ से फॉर्मूले के हिसाब से कि भाई दो वैल्यू जो है वो नेगेटिव है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी तरीके से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या है, वापस से पहले तो है 2x, तो 2x को मैं लिख देता हूँ अंडर रूट 2 और x और पूरे का स्क्वायर, ठीक है। अब कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, क्योंकि रूट 2 की वैल्यू का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो ये इससे कट जाता है तो 2 बच जाता है, तो 2 को मैं रूट रूट के अंदर वैल्यू लेके और इसका स्क्वायर कर देता हूँ। फिर प्लस y स्क्वायर, ऐसे कैसा, अब 8z2 है तो जेड स्क्वायर तो है ही और 8 का स्क्वायर बनाना है, तो 8 की अगर मैं फैक्टर बनाऊंगा तो 4 2 8 हो जाएगा। अब 4 का तो 2 हो गया और इसका हो गया रूट 2, तो यानी 2√2 का स्क्वायर कर देता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ इसका 2√2 और जेड, अब इस पूरे का स्क्वायर कर दिया, ठीक है। अब बाकी आइडेंटिटी वैसे ही बन जाएगी। अब वैल्यू स्टार्टिंग और लास्ट की नेगेटिव है, यानी ये और ये नेगेटिव है। तो देखो फॉर्मूले के हिसाब से 2ab और 2ca इन दोनों में a कॉमन होता है, यानी a वाली वैल्यू नेगेटिव है, तो पहले वाली वैल्यू को मैं माइनस की लिख लेता हूँ, ठीक है। अब बाकी वैसे ही लिख लेता हूँ। फिर हमारा क्या था, प्लस माइनस में दिया हुआ है तो माइनस लिख देते हैं, माइनस और 2 और फिर यानी रूट 2x इंटू y, ठीक है। फिर वापस से प्लस 2 फिर इंटू y इंटू 2√2 और क्या था z, तो ये हमारा क्या बन जाएगा 2 2 4√2 yz, ठीक है। और फिर लास्ट वाली माइनस 2 और 2 क्या होता है हमारा लास्ट का ca, c में क्या है 2√2 z और इंटू √2, थोड़ा सा इधर कर लेते हैं,
और क्या बच गया, रूट टू एक्स। ठीक है, अब देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस टू ए बी टू बी सी और टू सी ए, तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो ए की वैल्यू है माइनस टू रूट टू एक्स, फिर प्लस वाई और प्लस टू रूट टू जेड, ये बन गया, और इस पूरे का होल स्क्वायर। तो इस तरीके से हमें ये क्वेश्चंस करने थे। ठीक है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो पहला क्वेश्चन है वो हमें दिया हुआ है 2x+1 और उसका क्यूब। ठीक है, अब आइडेंटिटी क्या होती है, ए प्लस बी होल क्यूब की लगाते हैं, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² b और प्लस 3ab² ये आइडेंटिटी यूज करनी है। तो ए की जगह, तो यहां पे क्या हो गया, देखो ए की जगह हो गया हमारा 2x और बी की जगह क्या हो गया 1, ये वाली वैल्यू रख दो। तो यहां पे रख दिया मैंने 2x और पूरे का होल क्यूब, फिर प्लस बी यानी 1 का होल क्यूब प्लस 3, ए की जगह क्या कर देंगे 2x और पूरे का स्क्वायर, और बी की जगह 1 हो गया, फिर प्लस 3, ए की जगह 2x और बी की जगह 1, ये वाली वैल्यू रख दी। अब 2 2 4 2 8, 2 की पावर 3 टाइम हो गई, तो 8x³, फिर प्लस 1 का क्यूब 1 ही होता है, फिर प्लस 3 2 6, 2 2 4 4 3 12, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 12x². ठीक है, और प्लस 3 2 6x, ये हो गया। तो ये क्या हो गया हमारा 8x³ प्लस 12x² प्लस 6x और प्लस 1। ठीक है, इस तरीके से हो गया। फिर हमारा दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 2a-3b, 2a-3b और इसका होल क्या हो गया हमारा क्यूब। तो इसमें हमें a प्लस बी होल स्क्वायर वही आइडेंटिटी यूज करनी है। ठीक है, तो कर देंगे, b को हम क्या ले लेंगे, माइनस का 3b रख लेंगे अंदर और बाकी बाहर पॉजिटिव रख देंगे। तो a क्यूब यानी 2a इसका क्यूब प्लस बी क्यूब, बी में माइनस 3b रख देता हूं मैं, इसका क्यूब प्लस 3, ए की जगह 2a और बी की जगह माइनस 3b और प्लस 3a², ये इसका स्क्वायर हो जाएगा 3a² b और प्लस 3ab² यानी 2a × -3b और इसका स्क्वायर, ये वाली वैल्यू होगी। अब इसको सोल्व कर देते हैं, 2 2 4 2 8 a³, फिर 3 3 9 3 27, यहाँ माइनस का आ जाएगा 27b³, फिर ये देखो माइनस का है तो माइनस लिख देंगे, 2 2 4 4 3 12 और 12 3 2 2 4 12 36 36 36a² b, ये आ गया। और फिर हमारा इनकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो गया 3 3 9, स्क्वायर का था वो प्लस हो जाएगा 9 9 2 18 और आ जाएगा 50 18 36 18 54 54a² b। ठीक है, तो ये हो गया हमारा शॉर्ट आउट, 8a³ - 27b³ - 36a² b और 54ab², ये हो गया हमारा दूसरा क्वेश्चन। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 6th का जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है वो हमारे को दिया हुआ है 3/2x और प्लस 1 और इसका होल क्यूब। ठीक है, वही आइडेंटिटी, ए क्यूब 3/2x और इसका कर देता हूँ मैं क्यूब, फिर प्लस बी क्यूब, 1 का क्यूब 1 ही रहता है, फिर प्लस 3a² b 3/2x और इसका स्क्वायर, b की जगह 1 कर देते हैं, फिर वापस से प्लस 3 और ए बी, यहाँ ए स्क्वायर भी था, यहाँ ए बी स्क्वायर। ठीक है, तो 3/2x × 1, अब इसको लिख देंगे, 3 3 9 3 27 2 2 4 2 8 x³ प्लस 1, फिर प्लस 3, फिर यहाँ 3 3 9 x² / 2 2 4 और फिर प्लस 3 3 9/2x, कट रहा है तो ठीक है, नहीं तो इसको वापस से लिख दो, 27/8x³ प्लस 1 प्लस 9 3 27/4x² प्लस 9/2x, ये हो गया आंसर। चेक कर लो, 27/8x³ प्लस 1 प्लस 27/4x और 9/2x। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। फिर इसके बाद एक और नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6th का लास्ट वाला जो पार्ट है, यहाँ पे जगह है अभी काफी, इधर भी है। ठीक है, तो यहां कर लेते हैं अपन, 6th का लास्ट पार्ट है, 4th क्वेश्चन।
ठीक है। तो फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, एक्स माइनस टू अपॉन थ्री और वाई और पूरे की पावर वाई क्यूब, तो आइडेंटिटी वही, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री, इधर कर लेता हूँ एक्स क्यूब, फिर प्लस माइनस टू अपॉन थ्री वाई इसका क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, फिर आगे क्या हो गया प्लस थ्री ए स्क्वायर और बी, ए स्क्वायर बी, बी की जगह माइनस टू अपॉन थ्री वाई, फिर प्लस थ्री ए और बी स्क्वायर माइनस टू अपॉन थ्री इसका स्क्वायर। अब हम इसे स्प्लिट करके और इसकी वैल्यू रख देंगे बस, एक्स क्यूब प्लस टू टू जा फोर टू जा एट, तो यहां पे माइनस का आ जाएगा माइनस एट अपॉन थ्री थ्री जा नाइन थ्री जा ट्वेंटी सेवन वाई क्यूब, फिर यहां प्लस माइनस माइनस थ्री से ये थ्री कट जाएगा और ये हो जाएगा हमारा माइनस का टू एक्स स्क्वायर वाई, फिर यहाँ प्लस थ्री थ्री जा नाइन, एक थ्री कट जाएगा एक थ्री बच जाएगा, तो यहाँ पे माइनस का ही प्लस हो जाएगा, तो नीचे तो बच गया थ्री और ऊपर बच गया टू टू जा फोर एक्स वाई अपॉन थ्री, ये आ गया हमारा। अब सेवन्थ क्वेश्चन देखिए, सेवन्थ क्वेश्चन भी बिल्कुल सिंपल है, कोई भी हार्ड नहीं है, ठीक है। मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, ये देखिए, तो सेवन्थ क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 99 क्यूब 102 क्यूब और 998 इसका क्यूब, तो तीन क्वेश्चन दिए हुए हैं मैं, तो तीनों में इधर लिख लेता हूँ। सबसे पहला क्या है हमारा 99 का क्यूब, ठीक है। तो अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन सोल्व किए ना वैसे ही ये करना है हमें, तो 99 का क्यूब है तो इसको क्या करेंगे, देखो ए प्लस बी होल क्यूब आपको पता ही है अभी हम कर रहे थे, प्लस बी क्यूब यानी माइनस वन का क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वायर बी यानी 100 का स्क्वायर इंटू बी यानी माइनस वन, फिर प्लस थ्री ए बी स्क्वायर और ए ये हो गया और बी स्क्वायर में माइनस वन का स्क्वायर हो गया ना, सिंपल सा आइडेंटिटी है। तो 100 को तीन बार मल्टीप्लाई करेंगे तो एक दो और तीन, ठीक है, और ये माइनस वन ही हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूँ पॉजिटिव, और ये कितना हो गया माइनस, तो माइनस वन का क्यूब माइनस वन ही आ जाएगा, 100 का दो जीरो आ जाएगी और ये माइनस का ही हो जाएगा, तो देखो थ्री और एक दो तीन चार इतना आ गया, फिर वापस से प्लस, प्लस नहीं माइनस ही होगा, हाँ प्लस हो जाएगा, वन का स्क्वायर है और ये प्लस हो जाएगा, ठीक है, तो थ्री जीरो जीरो। अब इनको हम ऐड कर देंगे, प्लस वालों को प्लस कर देंगे और माइनस वालों को माइनस कर देंगे, तो इसमें हम इसको सोल्व करते हैं, ये आएगा हमारा 970299, ठीक है, सब्ट्रैक्ट करना एक दो तीन चार और फिर लास्ट में 300, यहाँ पे तीन रख के दो जीरो ऐसे लगा सकते, ये प्लस कर दिया और फिर माइनस इसके अंदर से ये कर देना 30001, ये इसमें से माइनस कर देना, तो ये आ जाएगा 99 फिर 2 फिर बच गया 0 फिर 7 फिर 9, इस तरीके से बच गया, यही है ना, ठीक है। तो इस तरीके से हमें सोल्व करना है। तो दूसरा क्वेश्चन क्या था, 102 और इसका होल क्यूब, तो स्क्वायर हो या क्यूब हो वैसे ही करना है हमें, ठीक है। अब देखो 102 का क्यूब है तो इसको हम कर देंगे 100 प्लस 2 और इसका क्यूब, ठीक है, 100 प्लस 2 इसका क्यूब कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब फिर प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर यानी 2 टू जा 4। अब इसको सॉल्व कर दो, ठीक है, 100 की क्यूब 1 2 3 4, ठीक है, इस तरह 2 टू जा 4 टू जा 8 और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 3 टू जा 6 1 2 3 4 और ये हो जाएगा 4 3 जा 12 और 0 0। बस अब इनको क्या करना है, आपको जोड़ना है, तो लास्ट में 8 फिर 0 फिर 2 फिर 1 फिर ये क्या है 6 और फिर 0 और 1, ये आ गया हमारा ऐड। फिर तीसरा क्वेश्चन था हमारा 998, ठीक है, 998 और इसका क्यूब, 998 इसका क्यूब करेंगे तो इसको हम 1000 माइनस 2 कर देंगे, ठीक है, और इसका क्यूब कर देंगे,
थाउजेंड माइनस टू का क्यूब करेंगे तो अब इसको सॉल्व कर देते हैं, वही आइडेंटिटी सेम लगेगी, थाउजेंड क्यूब, ठीक है, फिर ए क्यूब बी क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर, और अब इनका क्या कर दो, वैल्यू रख दो, एक दो तीन, ये माइनस का टू टू जा फोर टू जा एट, फिर ये माइनस हो जाएगा थ्री टू जा सिक्स, ठीक है, और फिर ये प्लस थ्री टू जा सिक्स, टू टू जा फोर, फोर थ्री जा ट्वेल्व, और एक दो तीन, इतना हो गया। अब इसको सोल्व कर दोगे तो ये आ जाएगा हमारा नाइन नाइन फोर जीरो डबल वन नाइन नाइन टू, ये पहले से ही मैंने करके रखा हुआ था, ठीक है। तो ये हो गया आपका सिंपल सा क्वेश्चन, ये हो गया आपका सेवन्थ क्वेश्चन कंप्लीट। सेवन्थ के बाद हमारा आता है एट, तो एट ये दिए हुए क्वेश्चन, पहला दिया हुआ एट ए क्यूब बी क्यूब प्लस ट्वेल्व ए स्क्वायर बी, इसमें भी हमें आइडेंटिटीज यूज करनी है, फैक्टराइज विद यूजिंग आइडेंटिटी, तो मैं इसको आगे करवा देता हूँ, यहाँ पे जगह खाली है हमारे पास, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है, इधर से देख लेते हैं, एट ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस ट्वेल्व ए स्क्वायर बी और प्लस सिक्स ए बी स्क्वायर, ठीक है। आइडेंटिटी कौन सी यूज करनी है, वही ए प्लस बी होल क्यूब वाली, ठीक है। अभी तक हम उल्टा कर रहे थे, अब इसको फैक्टराइज कर देंगे, ए क्यूब अभी तक हम स्प्लिट कर रहे थे और अभी इसको इकट्ठा करके फैक्टराइज कर देंगे, मतलब इकट्ठा कर देंगे इसको, ठीक है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर, ये वाला यूज करेंगे, ठीक है। तो देखो ए क्यूब में ये रहा, तो टू टू जा फोर टू जा एट, तो टू ए और पूरे की क्यूब कर दूं, ए क्यूब हो गया हमारा, फिर बी क्यूब में ये है प्लस थ्री, अब मैं अगर थ्री ले लेता हूँ और ए की जगह हमारा क्या है टू ए और फिर बी, बी ऐसे कैसा, अब अगर देखो मल्टीप्लाई करते हैं इसको, टू टू जा फोर थ्री जा ट्वेल्व बन गया और ए स्क्वायर ऐसे कैसा हो गया, ठीक है, और बी ऐसे कैसा आ गया, फिर इसको इसमें भी हम वापस से थ्री और ए ऐसे कैसा ले लेते हैं, यानी टू ए और बी का स्क्वायर कर देते हैं बी स्क्वायर, तो देखो सही है ना, ये भी थ्री टू जा सिक्स और ए बी स्क्वायर, तो इसको हमने ऐसे स्प्लिट कर लिया। अब आप आइडेंटिटी देखोगे तो आइडेंटिटी बन गई, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी प्लस थ्री ए थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर, और ए प्लस बी होल क्यूब का आइडेंटिटी होती है, टू ए प्लस बी और इसका क्या हो गया होल क्यूब, ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, एट का फर्स्ट हो गया। फिर एट का सेकेंड क्वेश्चन है, देखो दोबारा से, एट ए क्यूब माइनस बी क्यूब फिर माइनस ट्वेल्व ए स्क्वायर बी और प्लस सिक्स ए बी स्क्वायर, तो देखो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ पे माइनस का है इसमें, तो यानी ये बी वाली वैल्यू है वो माइनस की है, यानी ये वाला माइनस का है, ठीक है। ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब सेम पहले वाला क्वेश्चन देखो वैसे का वैसा क्वेश्चन है, सिर्फ यहाँ पे माइनस दिया हुआ है, और यहाँ पे माइनस देने की वजह से ये क्या हो जाएगा, ए माइनस बी का होल क्यूब हो जाएगा, यानी टू ए माइनस बी का होल क्यूब का आइडेंटिटी बन गई। कैसे बन गई, देखो बिल्कुल सिंपल है, पहले वाले को कर दिया मैंने 2a इसका क्यूब, ठीक है, फिर दूसरे को मैं प्लस और माइनस b अंदर रख लेता हूं इसका क्यूब, फिर यहां पे मैंने माइनस बाहर रख लिया या अंदर रखो आप, तो प्लस हो जाएगा और 3, फिर a स्क्वायर में तो आ गया हमारा 2a इसका स्क्वायर, और फिर b की जगह क्या लिख दूंगा मैं, माइनस का b, ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा, तो ये माइनस की हो जाएगी ना वैल्यू, और फिर बाद में लास्ट वाली ये ऐसी की ऐसी ये यहाँ पे लिख देंगे और इसी का स्क्वायर करके ये बन गया, ठीक है, ये सेकंड क्वेश्चन था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आगे क्या दिया हुआ है, एट के बाद क्या दिया हुआ है, ट्वेंटी सेवन माइनस वन ट्वेंटी फाइव ए क्यूब माइनस वन थर्टी फाइव ए और प्लस टू ट्वेंटी फाइव ए स्क्वायर, ये वाली वैल्यूज हमें दी हुई हैं, ठीक है। तो देखो आइडेंटिटी सेम वही ए की यूज हो रही है, ए प्लस बी होल क्यूब की, और कोई आइडेंटिटी यूज नहीं हो रही, वही ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वायर बी और प्लस थ्री ए बी स्क्वायर। अब 27 किसको तीन बार मल्टीप्लाई करते हैं, तो थ्री थ्री जा नाइन थ्री जा 27 थ्री का क्यूब, फिर यहाँ फाइव का आ जाएगा माइनस फाइव ए और इसका क्यूब, ठीक है। अब आइडेंटिटी बना दो, माइनस हमें क्या चाहिए, थ्री चाहिए, थ्री इंटू
और फिर इंटू 5a। देखो मल्टीप्लाई करेंगे तो यही बनेगा, 3 3 9, और ये स्क्वायर होता है ना इधर ए स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर कर देता हूँ मैं, तो 3 3 9, 3 27, और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 135 बनेगा। फिर वापस से प्लस, फिर 3, ए की जगह में 3, और बी, ए बी स्क्वायर होता है, बी स्क्वायर में अब क्या आ जाएगा, 5a का स्क्वायर, ठीक है, ये माइनस का हो जाएगा। अब देखो ये यहाँ से यहाँ तक हमारी क्या बन गई, आइडेंटिटी बन गई ए प्लस बी होल क्यूब की, तो ए की जगह 3 और प्लस बी की जगह माइनस का 5a और इसका होल क्यूब, ये आइडेंटिटी बन गई, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बिल्कुल ऐसे ही है, ज़्यादा कुछ भी हार्ड नहीं है, बस आपको स्प्लिट करना है पावर्स में। हार्ड आगे बनेंगे, आगे कैसे बनेंगे, इन्हीं में से छाट छाट करके और आपको थोड़ा टफ क्वेश्चंस बना के दिए जाएंगे एग्जाम में। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 पी क्यूब, फिर -1/216, ठीक है, -9/2 पी स्क्वायर, और फिर है +1/4 पी, ये क्वेश्चन है। वही आइडेंटिटी, इसको मैं क्या कर दूंगा, 3 और पी इसका क्यूब, -216 किसका होता है, ये होता है 6 का, 6 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 216 आ जाएगा, 1/6 और इसका क्यूब, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 ए, ए की जगह क्या है 3p, और बी की जगह क्या है 1/6, ठीक है, और 3p का मैं ए 3 ये स्क्वायर कर देता हूँ, तो ये इसको काटेंगे ना तो यही आ जाएगा। देखो कैसे, मैं दिखा देता हूँ इधर, 3 3 3 9 पी स्क्वायर इंटू 1/6, तो 3 2 6 कट गया, और ये क्या हो जाएगा हमारा वापस से 9/2 पी स्क्वायर हो गया ना। अब ऐसे ही इसको कर देंगे आगे प्लस, फिर 3a यानी 3p और बी स्क्वायर, बी स्क्वायर में आ जाएगा 1/6 का स्क्वायर, इसको भी करके देख लो, अगर आपको संशय हो रहा है तो ऐसे ट्राई करके देख लिया करो, और 1/36, फिर 6 से काटेंगे, 3 से काटेंगे या 6 से काटेंगे, 6 6 36, तो पी अपॉन 6 4 36, तो पी अपॉन 4 आ गया, ठीक है, तो ये भी वैसे ही हो गया ना। अब ए माइनस बी होल क्यूब यानी 3p और -1/6 और पूरे का होल क्यूब, इस तरीके से ये हमारा हो गया क्वेश्चन 8 भी कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो हमें वेरीफाई करना है, तो चलो देखते हैं क्वेश्चन 9 कैसे वेरीफाई करना है। अब देखो क्वेश्चन नंबर जो 9 है उसका पहला पार्ट वेरीफाई करना है, क्या करना है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब और इक्वल दिखा रखा है आपको एक्स प्लस वाई के, और दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई और प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, यानी इसको आप सोल्व कर लो और ये अपने आप ऐसा आ जाएगा, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और वेरीफाई हो जाएगा। तो आप लिखोगे सिर्फ टेकिंग, कौन सी साइड है ये, राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड ले लेते हैं, ठीक है। अब देखो पहले x से पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, फिर y से कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब देखो x से करेंगे तो एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर वाई और प्लस एक्स वाई स्क्वायर, फिर y से अंदर करेंगे तो एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर और प्लस वाई क्यूब। अब देखो दोनों आपस में कट जाएंगे, एक्स स्क्वायर वाई एक्स स्क्वायर वाई एक्स वाई स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर, क्या बच गया, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, समझ गए। तो ये हमने एक आइडेंटिटी को क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया, ये पहला पार्ट हो गया। फिर दूसरा क्वेश्चन देखो, इसी का दूसरा पार्ट, दूसरे पार्ट में क्या दिया हुआ है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इक्वल टू एक्स माइनस वाई, और आगे क्या दिया हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई और प्लस वाई स्क्वायर, फिर वापस से वैसे ही करना है, एक्स को मल्टीप्लाई किया हमने एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ माइनस वाई से किया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई और प्लस वाई स्क्वायर। तो देखो एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई और प्लस एक्स वाई स्क्वायर, यहाँ माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर और माइनस वाई क्यूब। अब इन दोनों से ये दोनों कट गए, क्या बच गया, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, ये भी वेरीफाई हो गया हमारा, ठीक है। तो हमारा 9th क्वेश्चन भी वेरीफाई हो गया। फिर 9th के बाद हमारा 10th क्वेश्चन है, 10th में क्या बोल रहा है, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग, अब हमें फैक्टराइज करना है। क्वेश्चन नंबर 10 देखें,
क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दे रहा है, 27 वाई क्यूब प्लस 125 जेड क्यूब ये दिया हुआ है। वही आइडेंटिटी यूज करनी है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब जो अभी हमने पहले वाले क्वेश्चन में सोल्व किए, क्या था ए प्लस बी और फिर क्या था ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर, यही आइडेंटिटी यूज करनी है। तो कैसे करेंगे, पहले तो मैं इसका ही क्यूब बना लेता हूँ, यानी 3 और y इसका क्यूब हो गया प्लस 5 और z इसका क्यूब हो गया, दो हो गए ना। अब क्या करना है हमारे को, a प्लस बी यानी 3y प्लस 5z ये हो गया a, फिर a स्क्वायर यानी 3y इसका स्क्वायर माइनस 3y इंटू 5z और फिर प्लस बी स्क्वायर यानी 5z और इसका स्क्वायर, ये हो गया हमारा आइडेंटिटी कंप्लीट। बस अब इसको मल्टीप्लाई करके और लिख दो, 3y प्लस 5z और ये 3 3 9 वाई स्क्वायर, 5 3 15 yz और प्लस 5 5 25 z स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया 3y प्लस 5z 9y स्क्वायर माइनस 15 yz और प्लस 25 z स्क्वायर, ये हो गया हमारा 10 का फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। फिर 10th का दूसरा पार्ट है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब वाली आइडेंटिटी इसमें यूज करनी है हमें, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, तो 64 को तो हम कर देंगे 4 4 4 16 16 4 64 इसका क्यूब हो गया और 343 ये हो जाएगा 7 का 7n और इसका क्यूब। अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब ये हो गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो ये वाली आइडेंटिटी यूज कर देंगे, यानी ए माइनस बी 4m माइनस 7n, फिर ए स्क्वायर यानी 4m और इसका स्क्वायर, तो 4 4 16m स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं 16m स्क्वायर क्योंकि ये पूरे का स्क्वायर होता है, ठीक है। फिर यहाँ पे प्लस और एक्स वाई यानी 7 4 28 और m n और फिर प्लस वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर में क्या हो जाएगा 7 7 49 और n स्क्वायर, ये हो गया हमारा 10 का दूसरा पार्ट, ठीक है। तो 10 के बाद आ गया हमारा 11 का, 11 का देखते हैं क्या है, इलेवंथ का क्वेश्चन मैं इधर लिख देता हूं, 27 एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 9xy और z, ठीक है। अभी इसके लिए देखो एक आइडेंटिटी है, मैं लिख देता हूँ ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, इस आइडेंटिटी का फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस सॉरी ये भी माइनस आएगा माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी, ये आइडेंटिटी यूज करनी है, बिल्कुल सिंपल सा 27x यानी 3x क्यूब, ठीक है। वाई ऐसे कैसा वाई क्यूब और प्लस जेड क्यूब और माइनस 3 फिर इंटू 3x इंटू वाई इंटू जेड, अब ये वाली आइडेंटिटी यूज कर दो यानी 3x प्लस वाई और प्लस जेड, ठीक है लगा दिया। और फिर ए स्क्वायर यानी ए स्क्वायर में क्या आ जाएगा आपका थ्री थ्री जा 9x स्क्वायर फिर प्लस बी स्क्वायर और प्लस जेड स्क्वायर फिर माइनस ए बी यानी 3xy फिर माइनस बी सी यानी वाई जेड और माइनस सी ए यानी 3zx, बस ये सिंपल हो गया। हमें और कुछ नहीं करना है, सिर्फ आइडेंटिटीज का यूज करना है और कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में अलग से, ठीक है। 12th का क्वेश्चन देखो, सिंपल सा क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन दिया हुआ है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, ठीक है, और माइनस 3xyz इक्वल टू क्या है, आइडेंटिटी होती है हमारी 1/2 और दिया हुआ एक्स प्लस वाई प्लस जेड और एक्स माइनस वाई
इसका स्क्वायर, फिर प्लस वाई माइनस जेड इसका स्क्वायर, और प्लस जेड माइनस एक्स इसका स्क्वायर। इस आइडेंटिटी को हमें वेरीफाई करना है, और वेरीफाई करके हमें दिखाना है। तो देखो भाई बिल्कुल सिंपल सी है, मैं इसको छोटा कर देता हूँ ताकि आराम से ये क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकें। देखो भाई ये वाली साइड होगी हमारी लेफ्ट हैंड साइड, और ये होगी हमारी राइट हैंड साइड। कौन सी होगी? राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड को हम सोल्व कर लेते हैं। पहले मैंने 1/2 लिखा इधर, और एक्स प्लस वाई प्लस जेड ऐसे कैसा रहने दो, ठीक है। और अंदर वाला सोल्व कर लेते हैं। पहले अंदर क्या दिया हुआ है? एक्स माइनस वाई स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 2xy। मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको डार्क दिखे थोड़ा, ठीक है। माइनस 2xy, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy और प्लस वाई स्क्वायर। फिर इसका हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 2yz और प्लस जेड स्क्वायर। फिर वापस से जेड स्क्वायर माइनस 2zx और फिर वापस से माइनस सॉरी प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इतना करने के बाद देखो वापस से 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड, ये ऐसे कैसा? अब देखो एक्स स्क्वायर एक ये रहा और एक लास्ट मेरा, तो 2x² हो जाएगा। फिर ऐसे ही वाई स्क्वायर दो बार है तो 2y² हो गया। फिर ऐसे ही जेड स्क्वायर दो बार है तो 2z² हो गया, ठीक है। फिर बाद में माइनस 2xy माइनस 2yz और माइनस 2zx, ये हो गया। अब देखो पूरे में 2 2 है, 2 कॉमन ले लेता हूं मैं, और 2 कॉमन लेके यहां से इससे कट जाएगा, तो यहां क्या बच गया? x प्लस वाई प्लस जेड, और इधर अंदर जो है वो 2 कॉमन आ गया, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस जेड एक्स। और ये हमारी आइडेंटिटी होती है किसकी? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz की, इस आइडेंटिटी के इक्वल होता है। तो ये हमने वेरीफाई कर दिया, इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को वेरीफाई कर देते हैं। तो ये 12th का हो गया। फिर ऐसे ही हमारा 13th का है। 13th के क्वेश्चन में क्या दिया हुआ हमारे को? इफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू क्या दे दिया? 0 दे दिया, ठीक है। तो बोल रहा है कि शो करो कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब और इक्वल हो जाएगा 3xyz के। तो बिल्कुल सिंपल सा है। देखो भाई पहले मैं एक आइडेंटिटी लिखता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, ठीक है, और इक्वल किसके? एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और अभी जो हम क्वेश्चन सोल्व कर रहे थे इससे पहले वाला, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और फिर क्या है आगे? माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस जेड एक्स, ये हो गया। अब देखो अगर ये हमें इक्वल टू 0 दे रखा है, ये आइडेंटिटी होती है, तो ये 0 दे रखा है, तो 0 के साथ पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, यानी इस साइड में 0 हो गया। इधर क्या बच गया? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब और माइनस 3xyz इक्वल टू क्या बच गया? 0। अब इसको उधर ले जाता हूं मैं, तो इधर तो बच गया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, और उधर क्या बच गया? 3xy और जेड, समझ गए? ये हो गया हमारा वेरीफाई क्वेश्चन नंबर 13। अब रह गया हमारा 14 क्वेश्चन और 15 क्वेश्चन, ठीक है। तो 14 क्वेश्चन में क्या है? देखो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, बोल रहे विदाउट एक्चुअल कैलकुलेटिंग द क्यूब्स फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें क्या दिया हुआ है? माइनस 12x³, फिर प्लस 7³, फिर प्लस 5³, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब ये रहा, ठीक है ना। अब पहले मैं इनको प्लस करके देखता हूं। देखो 12 प्लस 7 और प्लस 5, 12 माइनस का है तो 7 और 5 कितना हो गया? 12 और माइनस 12 क्या हो गया? 0 हो गया ना। अभी देखो पहले वाला क्वेश्चन हम यही प्रूव कर रहे थे, एक्स प्लस वाई प्लस जेड अगर 0 हो इक्वल, तो ये वाली वैल्यू, ये मतलब ये फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है, तो इसी के बेस पे हम इसको सोल्व कर देंगे। अब देखो ये तीनों का अगर सम 0 आ रहा है, तो इसका जो आंसर आ रहा है इसका, वो क्या हो जाएगा हमारा? 3 × x यानी माइनस 12 और × 7 और × 5, ये हो जाएगा हमारा,
ठीक है, और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा हमारा 1260 यानी 1260 आ गया। सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ भी ऐड नहीं है, ऐसे ही आगे वाला है। 15 और 13 को ऐड करो, ठीक है, कितना हो गया 28। वो आप अपने आप करो और मुझे कमेंट में बताओ कि हाँ भाई आपको समझ में आया या नहीं आया। फिर हमारे को दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 15। 15 में क्या बोल रहा है, गिवन पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द लेंथ ब्रेथ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल इन द गिवन एरिया ऑफ द फॉलोइंग। अब देखो क्वेश्चन दिया हुआ है 25a² - 35a और +12। मिडिल टर्म आपको स्प्लिट करना आता है, मिडिल टर्म स्प्लिट करके आप इसको सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा हमारा 5a - 4 और फिर क्या आ जाएगा, दूसरा आएगा 5a - 3। ठीक है, सीधा क्वेश्चन समझाना है हमें, एरिया निकालना था किसका, रेक्टेंगल का, तो ये लेंथ होगी और ये ब्रेथ होगी, समझ गए, लेंथ इनटू ब्रेथ, बस यही समझना था इस क्वेश्चन में। मिडिल टर्म स्प्लिट के क्वेश्चन आप पहले भी बहुत सारे कर चुके हैं तो मैं टाइम खराब नहीं करूंगा, सिर्फ इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करके सोल्व करना है आपको। ऐसे ही दूसरा, इसका दूसरे क्वेश्चन को मिडिल टर्म स्प्लिट करके सोल्व करना है, उसका भी जो आंसर आएगा तो लेंथ इंटू ब्रेथ वो भी एरिया आ जाएगा। ठीक है, फिर 16th के क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड द पॉसिबल एक्सप्रेशन ऑफ द डायमेंशन ऑफ द क्यूबॉइड हुज वॉल्यूम आर। अब वॉल्यूम हमें दिया हुआ है तो देखो वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अब पहला क्वेश्चन देख लो, जैसे मान लो हमें दिया हुआ है 3x² - 12x, मैं इसमें से कॉमन लेता हूं, एक तो ले लिया मैंने 3 और एक ले लिया x, अंदर क्या बच गया, x बच गया और -3 4 12 4, तो एक 3 हो गया, एक x हो गया और एक x - 4 हो गया, तो l हो गया, b हो गया और h हो गया, तो डायमेंशंस क्या हो गए, 3x और x - 4, ये हमारे हो गए डायमेंशंस, समझ गए। यानी वॉल्यूम निकालना था और वॉल्यूम हमें ये दिया हुआ है, तो वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ ब्रेथ और हाइट, तो मैंने इसको फैक्टराइज किया तो लेंथ ब्रेथ और हाइट इसके फैक्टर बन गए, समझ गए। इस तरीके से आपको सोल्व करना था। फिर ऐसे ही जो सेकंड वाला है इसका, उसमें से आप के को कॉमन ले लोगे पहले और फिर उसको भी फैक्टराइज करोगे, उसके जो भी 3 फैक्टर बनेंगे, ठीक है, उन 3 फैक्टरों को लेंथ ब्रेथ और हाइट मान लेंगे और ये हमारा हो जाएगा वॉल्यूम कंप्लीट। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है, अगर वीडियो पसंद आया तो दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल दीक्षा अकेडमी मुंद्रा, ये बटन है ना जो येलो कलर का, इसको टैप करो, सब्सक्राइब बटन पे सीधे चले जाओगे। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।